अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें कवर करेंगे कि आपका जो करंटली सेमेस्टर का सीजीपीए होता है वो क्या होता है, अफेक्टिव सीजीपीए क्या होता है, इसके अलावा टोटल क्रेडिट आवर्स कितने हैं जिनकी सप्ली है उनके लिए क्या होगा, और लास्ट वन क्वेश्चन का आपकी कोर्स सिलेक्शन कब और कैसे ओपन होगी। इंशाल्लाह इन तमाम तर बातों का जिक्र हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, आप काइंडली वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं उनको मैंने यहाँ पर स्पीक करके आपको बहुत अच्छी तरह समझाया होता है, तो आप लोगों को फिर वहाँ पे कमेंट्स में इतनी अच्छी तरह समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, इतना लंबा वो आपका जो होता है ना वहाँ पर हो जाता है, इतनी लंबी स्पीकिंग हो जाती है कमेंट्स के अंदर। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको हर चीज़ जो है अच्छी तरह थ्रू स्पीकिंग ही समझ आ जाए करे। फिर आपको कुछ चीज़ समझना है फिर आप उसे कमेंट्स में मुझे इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया करूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले आता जी सेमिस्टर सीजीपीए, सीजीपीए और अफेक्टिव सीजीपीए। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखें यहाँ पर सबसे पहले ये तमाम तर बातें बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर हैं, आपको इन तमाम तर बातों का पता होना चाहिए। तो देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये नहीं होता। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आपको जितना सीजीपीए शो हो रहा है ना वही आपका अफेक्टिव भी सीजीपीए, नहीं अफेक्टिव वो नहीं होगा, आपको जो करंटली जितना आपका सेमेस्टर सीजीपीए शो हो रहा है ना वही आपका होगा। यानी कि इन दो जो बॉक्सेज हैं इनमें आपका सीजीपीए सेम होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये मेरा स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर का है और इसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो यहाँ पर सेमेस्टर सीजीपीए है वो चेंज है, और ये वाला जो सीजीपीए ये चेंज है। तो इसका मतलब है कि आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है कि ये चेंज क्यों होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका बिल्कुल अभी पहला पहला होता है इसलिए उनके पास इनके जो रिकॉर्ड होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के पास नहीं होता, इसलिए आपका वहाँ पर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो सेमिस्टर सीजीपीए का मतलब है कि हमने दूसरे जो सेमिस्टर है उसके अंदर इतना सीजीपीए गेन किया है, ठीक है, और हमारा जो पहले सेमिस्टर का सीजीपीए था और जो दूसरे सेमिस्टर का सीजीपीए है उन दोनों सेमिस्टर्स के सीजीपीए को मिला के हमारे पास इतना जो सीजीपीए है वो बना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टोटल सीजीपीए कितना है? तो टोटल हमारा जो सीजीपीए है वो 3.29 है आउट ऑफ 4.0, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में मेरे जो स्टूडेंट का सीजीपीए है वो 3.32 है। अब दोनों सेमेस्टर का यानी फर्स्ट का और सेकंड का, इसी तरह से अगर आप थर्ड फोर फाइव के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव का मिला के आपका जो सीजीपीए होगा वो इस बॉक्स में शो होगा, और अगर आपका जो करंटली सीजीपीए आ रहा है वो इस बॉक्स में जो है वो शो आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अफेक्टिव सीजीपीए की कि अफेक्टिव सीजीपीए क्या होता है। देखिए, अफेक्टिव सीजीपीए का मतलब होता है कि आपको इतना सीजीपीए लेना चाहिए था, यानी ये आप पे अफेक्ट कर रहा है, तो अफेक्टिव सीजीपीए भी इसका इतना ही है मेरे स्टूडेंट का जितना उसने ओवरऑल यहाँ पर पूरे सेमेस्टर में गेन किया हुआ है। अगर आपका 1 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो आपका यहाँ पर अफेक्टिव सीजीपीए ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको इतना सीजीपीए इस सेमेस्टर के अंदर इस मेन लेना चाहिए था। तो आप आगे जाके मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका उतना ही सीजीपीए जो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद जो क्रेडिट ओवर्स हैं इसकी बात मैं करता चलूं, तो देखें क्रेडिट ओवर का क्या मतलब होता है। टोटल क्रेडिट ओवर आपकी डिग्री के मुताबिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सीएस का स्टूडेंट है, बीएस सीएस का, और इसके टोटल क्रेडिट्स ओवर आपके सामने ही हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं जी 30। अब सॉरी, टोटल क्रेडिट ओवर होंगे यहाँ पर 132। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट आपके 132 है। अब चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी ओवरऑल पास है, सेकंड सेमेस्टर में भी ओवरऑल पास है, तो इसका यहाँ पर जो टोटल हो रहा है 15-15 मिला के वो 30 हो रहा है। ये भी बात आपने याद रखनी है, अगर आपके 6 सब्जेक्ट है ना पहले सेमेस्टर के, तो आपके क्रेडिट होर्स 15 ही होंगे। इसी के साथ साथ जो टोटल आपने पूरी डिग्री में 4 साल में आपने जो पूरे करने हैं ना, वो आपने 132 पूरे करने हैं। 132 पूरे करने के बाद आपको डिग्री इशू की जाती है। तो आई होप सो ये तमाम तर बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब चलते हैं जिनकी सप्ली आई है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इनमें सप्लीमेंट्री की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैंने इसी चैनल पर जो है वो क्लासेस का आगाज़ किया, पेड क्लासेस होंगी सिर्फ सिर्फ $3 में, 2.5 ऑलमोस्ट आपके डॉलर बनते हैं। 500 रुपये में आप हमसे पाकिस्तानी रुपीज़ में क्लास ले सकते हैं, जितना आप रेगुलर पढ़ते हैं वैसे रेगुलर आप एक क्लास पढ़ेंगे, और आपको असाइनमेंट्स में क्विजेज में इंशाल्लाह हेल्प की जाएगी आपकी। रेगुलर आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा गूगल मीटिंग का, उस पर हम आपको 1 घंटा क्लास देंगे प्रॉपरली, और आप उसके मुताबिक आपकी तमाम तरह प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी जो है इंटरेस्टेड है मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में
मेंशन करें, इंशाल्लाह इसकी वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आज ही आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो आपने इसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं जी, जिनकी सप्ली है उनकी बात करें। तो देखें, सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि आपके जिस सब्जेक्ट में सप्ली है आपको उस सब्जेक्ट की सप्ली क्लियर करनी है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप एक सब्जेक्ट, आप जिस तरह देखें अगर दो सब्जेक्ट में सप्ली है ना आपकी, तो आप एक सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट तीसरे सेमेस्टर में कर सकते हैं अगर आप वो सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है CS 101 पढ़ना लाजमी है CS 201 के लिए। अगर आप BS मैथ्स कर रहे हैं तो MTH यानी Math 101 पढ़ना लाजमी है MTH 301 के लिए या 302 के लिए। तो इस कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको रखना लाजमी है। अगर आप मैंडेटरी सब्जेक्ट्स के अलावा जिस तरह किसी की पाक स्टडी में है, इस्लामियात में है, MGT में है, तो ये तमाम चीज़ें अगर आपकी आती हैं तो आप एक एक करके इनको कवर कर सकते हैं। सप्लीज़ का आपको कोई इजाफी फ़ीस नहीं देनी पड़ती, आपको बस रेगुलर जिस तरह आप सेमेस्टर में हैं तो आप कि अगर 3-4 सप्लीज में तो आपका सेमेस्टर प्रमोट हो गया है। अब आपको जो आपका कोर्स सिलेक्शन है, कोर्स सिलेक्शन में आप अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और आपकी रेगुलर एक्टिविटी जो होगी वो सेमेस्टर के मुताबिक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से जल्दी से मिटा देता हूँ। और अब जो हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि आपका जो कोर्स सिलेक्शन है वो अब कब आ रहा है और कब ओपन होगा कोर्स सिलेक्शन आपकी जी। तो कोर्स सिलेक्शन की बात करते हैं, और तो कोर्स सिलेक्शन देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स सिलेक्शन फॉर द सेमेस्टर फॉल 2021 विल बी ओपन ऑन ट्यूसडे October 26, 2021। आप सबको पता है पहले ये 21 था यानी 21 अक्टूबर था यानी आज के दिन आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ VU की वेबसाइट्स में एरर आ गए हैं। VU ने आपको खुद बताया है कि आप लोगों ने वो एरर्स जो हैं वो हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन एरर्स तक आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन नहीं होगी। तो कोर्स सिलेक्शन आपको ज़रूर ओपन जो होगी वो ओपन होगी, तो मैं आपको इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इसकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। कोर्स सिलेक्शन की भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि आपने किस तरह कोर्स को सेलेक्ट करना है, और इसी के साथ साथ आपको उस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है मतलब आपकी जो है वो कौन सी किताबें इजी हैं जिनको आप इस सेमेस्टर के अंदर रख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना करनी मत भूलिए मेरे चैनल को, इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए आगे आ रहा है आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में भी, क्विजेज़ में भी, असाइनमेंट्स में भी। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो मैंने अब आपको बता भी दिया है कि कोर्स सिलेक्शन अब आपकी ओपन होगी 26 अक्टूबर को। तो अब तक आप इसका वेट करें, और जो जिनकी सप्लीज हैं उनको मैं फिर कह रहा हूँ आपको कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर है, इंशाल्लाह आप मेहनत करें आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये छोटी सी आपकी वीडियो थी, होप सो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में अब लाजमी पूछ लीजिएगा, लेकिन आप काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच करके पूछा करें ताकि आपको हर चीज़ की जो मैंने आपको समझाया होता है ना थ्रू स्पीकिंग वो मैं आपको थ्रू राइटिंग नहीं करवा सकता या नहीं समझा सकता। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको देखें, इंशाल्लाह आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं रेगुलर क्लासेस का आगाज़ भी कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें, थैंक यू सो मच। आखिर में रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।